किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम मंच देते हैं उन किसानों को जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन प्रतिभाओं से जो कि देश के कोने कोने में उभर कर सामने आ रही हैं। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती में नए नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान दिल्ली से संबंध करते हैं और ये एक युवा किसान है जिन्होंने वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खेती की राह को ही अपनाया और ये क्षेत्र ही उन्हें रास आया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अभिषेक धामा से जो कि सब्जियों की मल्टीलेयर खेती करते हैं, वो भी राजधानी दिल्ली में रहते हुए, यानी उनके लिए बना हुआ बाजार भी यहाँ पर उपलब्ध है, इसीलिए सब्जियों की खेती से उन्हें काफ़ी मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के सफल किसान अभिषेक जी से। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है और यहाँ पर खेती योग्य जमीनें कम। ऐसे में यहाँ की कृषि योग्य जमीन का बेहतर इस्तेमाल किसानों को समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है। कुछ इसी सोच के साथ प्रकृति के करीब रहने के संकल्प लिए अभिषेक धामा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश करने की बजाय कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया और बना रहे हैं किसानों की समृद्धि का रास्ता। कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर सब्जी की खेती की ओर बढ़ने के अभिषेक धामा के फैसलों को परिवार वालों और दोस्तों ने गलत बताते हुए विरोध किया, लेकिन अपने फैसले पर अटल अभिषेक आगे बढ़े और आज वे सफलता के साथ करीब 65 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहे हैं। मैं दिल्ली के पल्ला गांव में पिछले 8 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा हूं। क्वालिफिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बट शुरू से ही मेरी रुचि प्रकृति की तरफ थी, जिसको देखते हुए मैंने खेती को एक व्यवसाय के रूप में चुना और इस खेतीबाड़ी की फील्ड में मैं आया। जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो सभी मेरे परिजनों, मेरे दोस्तों ने इसका विरोध किया और मुझे ये बताया कि आप इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपने एजुकेशन अर्जित की है आपका नुकसान ही होगा और आप इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी धारणा है, जो कुछ नहीं करता वो खेती करता है। तो इसी धारणा को देखते हुए मेरे परिजनों ने, मेरे मित्रों ने मुझे सलाह दी इस प्रोफेशन के अंदर मैं ना जाऊं, पर मेरी रुचि शुरू से ही प्रकृति की तरफ और मेरी मिट्टी की तरफ थी, इसलिए मैंने खेती को एक परमानेंट ऑक्यूपेशन या परमानेंट व्यवसाय के रूप में चुना और आज मैं करीबन 65 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहा हूं। सब्जी की ही खेती करने के फैसले के बारे में अभिषेक धामा कहते हैं कि दिल्ली NCR के करीब रहने के कारण यहां पर सब्जियों की डिमांड अधिक है, मार्केट अच्छा है, ऐसे में कैश क्रॉप के रूप में सब्जी की खेती को मुख्य फसल के रूप में अपनाना बेहतर है। किसी भी काम को पूरे मन और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। खेती को व्यवसाय के तरीके से करने का फैसला लिए अभिषेक धामा ने सफलता प्राप्त करने के लिए मल्टीलेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग पद्धति को अपना रखा है। एक ही समय में वे 3 से 4 फसलें लेते हैं। हाँ, फसलों के चुनाव में वे ध्यान देते हैं कि फसल ऐसी हो जो एक दूसरे की मदद करे। इस बारे में अभिषेक धामा कहते हैं,
देखिए, जो मेरी लोकेशन जहां हम कृषि कार्य कर रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण हमारे पास एक अच्छा मार्केट है। अच्छा मार्केट होने के कारण एक हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम कैश क्रॉप को मुख्य फसल के रूप में अपनाएं। आज हम यहाँ मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे एक ही समय में एक ही खेत से एक ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम 3 से 4 फसलें एक ही समय पर ले पा रहे हैं। और ये फसलें अपने परंपरागत तरीके से नहीं, उससे अच्छी पैदावार मुझे दे रही हैं, क्योंकि हम फसलों का चुनाव इस तरीके से करते हैं कि एक फसल दूसरी फसल को हेल्प करे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे तोरी की फसल लगी है, तोरी के पीछे टमाटर, नीचे हमने टमाटर लगाया हुआ है। तोरी एक पार्शियली शेडेड एरिया टमाटर को दे रही है, जिससे कि सनबर्न और अदर गर्मी से होने वाली बीमारियों से वो बच रहा है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही है। मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग पद्धति को अपनाते हुए अभिषेक धामा टमाटर की फसल उगाते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। इनकी टमाटर की फसल देर तक चलती है और उन्हें 4 गुना 6 गुना तक फायदा होता है। दूसरी फसलों व बॉर्डर क्रॉप से उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। यही टमाटर की खेती जो सामान्य किसान मई के महीने में खत्म कर देते हैं, हमारे टमाटर की फसल जून से जुलाई तक चलती है, जिसमें हमें अधिक मुनाफा होता है। और हमारा टमाटर जैसे अभी 5-10 रुपए किलो का रेट चल रहा है, आगे जाके 30 से 40 रुपए किलो बिकता है, जिससे हमारी कमाई 2 गुना नहीं 4 गुना नहीं 6 गुना तक होती है। और उसी के साथ साथ हम ऊपर तोरी की फसल ले रहे हैं, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। और इसी के अंदर हम खीरे की फसल ले चुके हैं और साथ में पेठे की हमने खेती की हुई है एज अ बॉर्डर क्रॉप, जिससे हम एक ही समय में एक ही एकड़ से 4 से 5 फसलें आराम से ले रहे हैं। मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग एक ऐसी कृषि फसल उत्पादन पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 फसलों से लेकर 4 से 5 फसलें एक साथ उगाई जा सकती हैं। बस इन फसलों के उत्पादन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि फसलें एक दूसरे की पूरक हों। जैसे कि अभिषेक धामा नीचे टमाटर और ऊपर तोरी की फसल लेने के साथ बॉर्डर फसल के रूप में पेठे की खेती करते हैं। इस पद्धति से सब्जी आदि उगाने से किसानों को बेहतर आमदनी हो जाती है। तो देखा आपने कि कैसे अभिषेक धामा 65 एकड़ क्षेत्र पर सब्जियों की खेती करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इस राह में कई तरह की चुनौतियाँ भी आईं, जिन्हें दूर करते हुए वो सफलता तक पहुँचे। बताएंगे उनकी सफलता की कहानी के बारे में और विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें सफल किसान। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी शानदार फिल्में। 15 जून हीरा लाल पन्ना लाल, 16 जून सुल्तान, 17 जून रखवाले, 18 जून गुनहगार, 19 जून सुनसर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राजधानी दिल्ली में सब्जियों की खेती के लिए जाने जाने वाले अभिषेक धामा से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन अब वो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वो भी 65 एकड़ भूमि पर मल्टी लेयर तकनीक से। हालांकि आज वो कामयाब किसान बन गए हैं, उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। कई चुनौतियों को पार करते हुए आज वो सफलता की इस सीढ़ी को चढ़ने में कामयाब हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं उनकी पूरी कहानी। अभिषेक धामा का खेती में उतरना आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने खेती में ही करियर बनाने के लिए शुरू में सुगंधित और मेडिसिनल प्लांट की खेती की। इसमें IHBT ने भी प्रोत्साहित किया और डिस्टिलेशन यूनिट प्रदान किया। शुरुआत मैंने सुगंधित और मेडिसिनल प्लांट से मैंने की, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट में मैंने स्टीविया की खेती की,
स्टीविया से मैंने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। स्टीविया के बाद मैंने एरोमेटिक प्लांट की कल्टीवेशन की, जिसमें जर्मन कैमोमाइल, जेरेनियम और वेटिवर शामिल है, जिसकी डिस्टिलेशन हमने की। और हमारे कार्यों को देखते हुए IHBT पालमपुर ने हमें डिस्टिलेशन यूनिट प्रोवाइड की, जो हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। और हम दिल्ली NCR के पहले ऐसे किसान हैं जो एरोमेटिक प्लांट की कल्टीवेशन कर रहे हैं। अभिषेक धामा बताते हैं कि भारत के परंपरागत किसान कृषि कार्यों में काफी संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण है आधुनिक जानकारियों का अभाव। इस बारे में वे कहते हैं, जब हमने खेती कृषि कार्यों में अपने कदम रखे तो हमने देखा कि हमारे किसान भाई जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। तो उस खेती को देखते हुए हमने ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अभाव, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का यूज़ प्रॉपर यूज़ ना कर पाना, अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ ना कर पाना, ये बहुत बड़े कारण थे जिससे कि हमारा कृषि क्षेत्र जो है पीछे रह गया। प्रकृति खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रकृति खेती में सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है सब्जियों में, क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में ये देखा गया है कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद और उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवार नाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे और उसका मानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नीम की पत्ती की बात करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी की बात करते हैं या गुड़ की बात करते हैं, हम अन्य जो चीज़ बेसन है, ये सारी चीज़ें घरेलू स्तर पर उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई आसानी से अपने घरेलू स्तर पर इन चीज़ों को तैयार करके, जैसे नीमास्त्र है, नीम की पत्तियों द्वारा बनाकर हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों के को घर पर तैयार करके उनको खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में और रासायनिक के जैसे जैविक कीटनाशक या प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करके वो तैयार करके फसलों को बचा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता पर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि किसान को स्थानीय बाजार में बेच के उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में किसानों के हाल को देखते हुए अभिषेक धामा ने खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल इंडिया को भी अपनाया और अपनी व किसानों की आय को बढ़ाया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए, नॉलेज को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए कुछ एक अच्छा मॉडल डेवलप करना, यही मन में धारणा रखते हुए हमने अपने कृषि कार्यों को शुरू किया। और जिसके अंदर हमें डिजिटल इंडिया से भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि हम अपना माल ऑनलाइन बेच पाए। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से जो हमारा पेमेंट सेक्टर था वो भी बड़ा अच्छा हुआ। नई सोच, नई तकनीक, नया इंडिया, नया भारत, नई डिजिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए हमने एक खेती का मॉडल डेवलप किया। परंपरागत तरीके से किसान एक खेत में एक ही फसल लेता था, उसका भी अच्छा मूल भाव नहीं मिल पाता था। उन चैलेंजेस को हमने देखते हुए हमने एक नया कृषि में मॉडल क्रिएट किया, जिसमें उगाने से पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के कारण, मार्केट हमारे पास होने के कारण प्रोडक्शन में हमें हेल्प हुई और उसके बाद एक प्रॉपर सेटअप हम कर पाए, जिससे कि किसान की आय को हम 2 गुना से 4 गुना बढ़ा पाए, अपनी आय को भी 2 गुना से 10 गुना हम बढ़ा पाए। इसमें डिजिटल इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा, जिसमें हमने डिजिटल पेमेंट्स को एक अच्छी तरीके से यूज़ किया, जिसमें जो पहले उधार बकाया इस तरीके की परेशानियां जो रहा करती थी उनसे निजात पाके, अच्छी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का जो गैप है उसको हमने घटा के एक अच्छा मॉडल हमने डेवलप किया, जिससे हम किसानों की और अपनी आय को बढ़ा पाए। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। दूसरे क्षेत्रों की तरह कृषि के क्षेत्र में भी किसान डिजिटल इंडिया को अपनाकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार की तरफ से भी उन्हें लगातार मदद मिली और उन्होंने कैसे एक FPO का गठन किया, इफ FPO से किस तरीके से अन्य किसानों को भी लाभ हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में, हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले हर शनिवार रात 9:30 और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4:00 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में सब्जियों की खेती करने वाले अभिषेक धामा के बारे में, जिन्होंने एक FPO का भी गठन किया। FPO की अगर बात करें तो ये हमारे छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। FPO बनने के बाद हर एक किसान की पहुँच नई तकनीक, अच्छे बीज और साथ ही साथ सरकार की योजना तक बेहतर तरीके से हो पाती है। इससे छोटे और मझोले किसानों को लाभ होता है और साथ ही साथ वो संगठित होकर अपनी ऊर्जा अपनी ताकत को बेहतर दिशा भी दे पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अभिषेक धामा से कैसे इन किसानों को भी लाभ हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत के किसानों ने टेक्नोलॉजी के उपयोग और सरकार से मिल रहे प्रोत्साहन से कृषि के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को हासिल किया है। सरकार की प्रेरणा से बन रहे किसान उत्पादक संगठन यानी FPO से किसान मजबूत और जागरूक हो रहे हैं। अभिषेक धामा ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए FPO का गठन किया और उन्हें सरकार की मदद से आगे बढ़ाया। कृषि कार्य करते करते हमें ये महसूस हुआ कि एक अकेला किसान सब कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए सबका साथ सबका विकास ये धारणा रखते हुए हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसमें अपने साथी किसानों को हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद उन किसानों को प्रशिक्षण भारत सरकार, पूसा इंस्टीट्यूट और केवीके दिल्ली द्वारा अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने FPO को किसानों को सम्मिलित कराया। वहाँ से उनको नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई खेती के बारे में प्रशिक्षण दिलाया, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और कुछ नए करने की आशा जगी। समय समय पर भारत सरकार, पूसा संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली हमारे FPO को किसानों को सम्मानित करते रहते हैं, जिस सम्मान को पाकर हमारे किसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे भी 2020 में IARI पूसा इंस्टीट्यूट ने इनोवेटिव फार्मर दिल्ली और 2024 में फेलो फार्मर IARI के अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है। अभिषेक धामा के FPO से 256 किसान जुड़े हुए हैं। FPO से जुड़े किसान आपस में चर्चा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। FPO के प्रयास से ही किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है और वे समृद्ध हो रहे हैं। 256 किसानों के साथ हमारी FPO बहुत अच्छे से काम कर रही है। किसानों को एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे उनको अपनी सब्जियों का अच्छा मूल्य मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ उनको नई नई एग्रो प्रैक्टिसेस में भी हेल्प हो रही है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू। और एक हमारा 256 लोगों का ग्रुप, जब हम बैठ के डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे नई नई आइडियाज़ उसमें इन्वेंट होते हैं और उसके बाद उनको हम ज़मीन पे उतारते हैं। हर एक फार्मर को उसके पसंद की जो क्रॉप वो कर सकता है, जो क्रॉप वो अच्छे से करता आ रहा है, उसी के बारे में नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत करा के और उसी क्रॉप को आगे डेवलप करना और अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे वो एक सह फसली खेती, एक ही एकड़ में एक ही फसल के साथ दूसरी फसल लगा के और दोनों फसल की पैदावार ले सकता है,
एक फसल दूसरी फसल को हेल्प करेगी, उसके अंदर कीट रोग और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। हमारी FPO करीबन जितने भी दिल्ली NCR के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सब्जियां प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि हमारी FPO फार्मर्स को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके एक बीच के बिचौलिए से बचा रही है और अच्छे मूल पे किसान को सब्जियां मिल रही हैं। पहली बार किसान को अपने फसल का मूल्य तय करने का मौका मिल रहा है। खेतों में मल्टी लेयर क्रॉप से किसानों को भरपूर फायदा मिलता है। परंपरागत खेती के मुकाबले इस तरीके से खेती करने से किसानों की आय दुगनी से चार गुनी तक हो सकती है। FPO से होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए अभिषेक धामा कहते हैं कि इससे उनका टर्नओवर हर साल बढ़ रहा है और वे इसे लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक धामा कहते हैं कि युवा खेती के लिए आगे आएं और इसे प्रोफेशन के रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ें। परंपरागत तरीके से हमारे किसान भाई एक फसल करके 50,000 से 1,00,000 सालाना अपनी आय करते थे, बट जैसे हम मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग को अडॉप्ट किया है तो हम अपनी आय को 3,00,000 से 10,00,000 रुपए तक बना सकते हैं। इसका उदाहरण हम इस तरह के देखेंगे, जैसे हमने एक खेत में एक फसल लगाई है, टमाटर की कोई फसल लगी है, तो उस खेत के अंदर टमाटर की ही हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाजार भाव 2 रुपये हों या 200 रुपये हों, हम एक फसल से उतनी ही आय जनरेट कर पाएंगे। पर मल्टी लेयर मल्टी फार्मिंग के अंदर उसी खेत के अंदर हम 50,000 से 1,00,000 टमाटर से कमाएंगे, ऊपर कोई भी बेल वर्गीय फसलों को इस्तेमाल करके 1.5 से 2,00,000 वहाँ से कमा लेंगे, नीचे कोई भी एक कम अवधि वाली फसल को यूज़ करके जिसमें खीरा ककड़ी, उससे भी हम 50,000 से 1,00,000 कमा सकते हैं, और बॉर्डर क्रॉप का भी अच्छे से यूज़ करके जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो हमें प्रोडक्शन करने की जो हमारी कॉस्ट है उसको भी घटा सकते हैं और उससे एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस मॉडल से कोई भी किसान हमारी तरह, जैसे हमारे FPO के किसान कर रहे हैं, कोई भी इस पद्धति को अपना सकता है और अपनी आय 2 गुनी ही नहीं 4 से 6 गुनी भी कर सकता है। कृषि कार्य को एक फायदेमंद व्यवसाय बताते हुए अभिषेक धामा कहते हैं कि ये ऐसा व्यवसाय है जिसे आधुनिक तरीके से करने से किसानों को फायदा ही फायदा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि उस दौर में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने नुकसान उठाया, लेकिन खेती करने वाले किसानों ने बेहतर कर लाभ कमाया। कोरोना काल में हमने देखा कि सारे व्यवसाय ठप हो गए, हर व्यवसाय में लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ, सिर्फ एक व्यवसाय बचा जिसने लोगों का पेट भी भरा और उनका बैंक भी भरा। कोरोना काल में हमने देखा कृषि में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, हमने भी करोड़ों रुपए कमाए, हमने अपने इस छोटे से 16 एकड़ के फार्म से 7,00,000 कस्टमर को सब्जी खिलाई, जिससे हमें 3 महीने के अंदर 54,00,000 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ। अभिषेक धामा युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि आज के युवा खेती को अपनाएं और रोजगार तलाशने वाले बनने की बजाय रोजगार देने वाले बने। मेरा सभी युवा साथियों को एक सुझाव है कि नौकरी करने वाला नहीं देने वाला बनिए। हमारे फार्म पे 365 दिन 40 से 50 लेबर काम करते हैं। आज अगर मैं नौकरी करता तो 12-15 लाख के पैकेज से ऊपर नहीं जा पाता। आज मेरे FPO का टर्नओवर 6 करोड़ से ज़्यादा है और हमारी आशा है कि इसको हम 100-200 करोड़ तक लेके जाएंगे। आज के दौर में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी युवा वर्ग उतर कर नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अभिषेक धामा जैसे युवा किसान रोजगार तलाशने की बजाय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप भी कृषि को प्रोफेशन बनाएं और खुद के अलावा देश को भी समृद्ध बनाएं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता है कि सही मार्गदर्शन आपका हो और आप उस राह में बिना हिचके आगे बढ़ते रहें। अभिषेक धामा जी ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने एक FPO बनाया, अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया।
आशा करते हैं कि हमारे अन्य किसानों को भी इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की कहानी हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल कर या फिर पत्र लिखकर ज़रूर दें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम इसमें दिखाएं, तो आप इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।